हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड यूट्यूबर। मैं सत्यम लेके आया एक नई अमेजिंग टेस्टी वीडियो। इस वीडियो में हम बनाएंगे तवा पाव सैंडविच, जिसके लिए हमने दो पाव लिए हैं, एक पाव पनीर लिया है, शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है, यहाँ दो टमाटर काट लिए हैं, हरी मिर्च ली है, धनिया ली है और आपका अपना अमूल बटर लिया है। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले का पेस्ट लिया है, ये चाट मसाला लिया है और यहाँ पर खड़ी लाल मिर्च को पीस लिया है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना तवा पाव सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च काट के डाल देंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे। चाट मसाला डाल देंगे। अपने खड़े मसालों को मिक्स कर डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब इसे 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट पक लिए हैं। हमारी वेजिटेबल अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसे थोड़ा सा अपना पनीर डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी मलाई डाल देंगे। मलाई डालने से इसका स्वाद और कलर बहुत अच्छा आएगा। हमारे पाव भरने के लिए वेजिटेबल अच्छे से तैयार हुए हैं। चलिए अब हम इसे अलग एक बर्तन में निकाल देते हैं और बन में लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पाव को काट लिया है। चलिए अब हम इसे अपनी फिलिंग को भर देते हैं।
फ्रेंड्स, हमारा पाव इतने अच्छे से तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, या बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तो तवा पाव सैंडविच पूरी तरह से तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तवा पाव सैंडविच पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप इसे केचप, ग्रीन चटनी या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइए ये डिश आपको कैसे लगी, और इसे ज़रूर ट्राई करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्द से जल्द।